अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे मॉडर्न मुस्लिम डॉक्टर्स साइंटिस्ट्स। आज हम जिक्र करेंगे सामी अब्दुल रहीम की, जो सऊदी अरेबिया की ओरिजिन की हैं। उन्होंने मेडिसिन की स्टडी अमेरिका में की। ये सऊदी अरेबिया की फर्स्ट न्यूरोसर्जन है। इन्होंने ब्रेन स्ट्रोक पर रिसर्च किया और उन्होंने एक तहकीक की टेक्नोलॉजी निकाली जिसे एन्यूरिज्म कहते हैं, दैट इज ए क्लिप अप्लायर, यानी डॉक्टर बगैर बोन फ्लैप रिमूवल के, कॉर्नियोटोमी जिसे कहते हैं, बगैर बोन फ्लैप रिमूवल के ब्रेन के पार्ट्स का एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ये न्यूरोसर्जन सऊदी अरेबिया की हैं, जिन्होंने इजाद किया एन्यूरिज्म का, कॉर्नियोटोमी का, और उन्होंने बताया कि किस तरह से ब्रेन स्ट्रोक से हम निजात पा सकते हैं और उसका ऑपरेशन किया जा सकता है। तो हमारे बच्चियों के लिए खास करके ये इंस्पिरेशन है कि हमारी बच्चियां भी मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ें। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।